बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के फजल करम रहमत के साथ आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। लो प्यारे दोस्तों, जिहड़ी ना परेड दो तीन जगह पर हो रही है, जिते सिविल डिफेंस भी है तो अलमजार फोर्स भी है, तो उस तो अलावा 1122 वाले भी है, उस तो बाद एक दो होर भी हो सकते हैं, तो हो भी सकते तो नहीं भी हो सकते है। तो इन खासकर ज़्यादातर तीन तंजीमां होंदियां वा जिहड़ियां परेड ज़्यादातर कर दियाँ, जाना अल मजाज फोर और तो बाद फिर आप जाना वा सिविल डिफेंस के दफ्तर इनफॉर्मेशन लैके आने तंजीम के बारे। तो हूँ आप कहना जल्दी ना चलिए अल मजाज फोर। जो खुशी का दिन आता पाकिस्तान तो उदो ये तंजीम परेड भी करती है, होर भी फ्लाई काम करती है। परेड के लिए सलामी पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने समुद्री बहुत मुहिब वतन है और हमारी काल पे लबैक कहते हुए 22 जुलाई से इन्होंने ये ड्रिल का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो कि इंशाल्लाह 13 अगस्त तक जारी रहेगा। उसके बाद 14 अगस्त को जो एक फाइनल प्रोग्राम होता है बल्दिया के अंदर, उनमें इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपनी सलाहितों का इजहार फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये सफ़र 33 साल पे मुहित है। 92 में जब हम लोग नेशनल कैडेट कोर्स यानी कि NCC के स्टूडेंट थे, तो हमने ये सोचा था क्यों ना हम अपने नेशनल डेज पे अपने सब्ज हलाली परचम को सिक्योरिटी इदारों अपनी आर्मी की तर्ज पे इस्लामी पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक बिना लागा जितने भी हमारे नेशनल डेज हैं उन डेज पे हम इस सेलिब्रेशन का सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। इस वक्त हमारे पास जो ग्राउंड में बच्चे हैं वो उनकी तादाद 84 यानी कि 84 है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद तकरीबन 100 के करीब होती है हर दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह के सारे दोस्तों पता है कि बड़ा अच्छा है, काम कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी सालों देख रहे हैं कि साडा जिहड़ा 14 अगस्त का दिन है आज़ादी का, बड़े अच्छे तरीके हैंडल करते हैं, मनाते हैं। मैं बड़ा मशहूर हाँ साथ वाला जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, इस वाले का बहुत शुक्रिया। कभी जाने के लिए होशियार हो गया, ये जी अल मजाज फोर्स 14 अगस्त वाले दिन परेड होएगी। 14 अगस्त वाले दिन परेड अल मजाज फोर्स होर भी तंजीमा होनगियां। इतने मैं जरा थोड़ा जहा लेट हो गया सी, तो लड़के भी जा चुके हैं, कुछ परेड इन्नी खास हुई नहीं, मेरे आने तो पहले हो गई थी, तो जी हूँ हुई सी लास्ट, तो उन्होंने छुट्टी दी टाइम जी जरा मेरे ना मेरे आने तो पहले ना मुकम्मल परेड हो चुकी थी, हूँ जी भी हुए वो थोड़ी बहुत ही हुई थी,
तो हूँ लड़के जड़े ना वो जा चुके हैं, तो हूँ आप भी चलिए सिविल डिफेंस के तरफ। माशाल्लाह जी, आपके जज्बों को भी सलाम है, आपके बुजुर्गों की अजमत को भी सलाम है। कल हम भी कैडेट थे, आज आप लोग यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं यकीनन वो काबिले स्ताइश है। और जो हमसे मुमकिन है हमेशा हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो ये हुक्म देते हैं हम वो बजा लाते हैं। और आज भी हम ये सारे दोस्त इसी जज्बे के साथ खड़े हैं कि जो ये बुजुर्ग हुक्म करेंगे आप लोगों की सरपरस्ती के लिए, हम आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हम लोग इंतहाई मशहूर हैं ग्रुप 11 का, साढ़े सबका कैडेट्स ने आज मौजूदा कैडेट्स की हौसला अफजाई के लिए वक्त निकाल के ग्राउंड में तशरीफ लाए। तो पहले हम कौमी नारा लगाएंगे, उसके बाद नारा लगेगा ग्रुप 11 का, फिर कहेंगे कौमी नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ग्रुप 11 का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? अपना नाम? क्यान। अपना नाम? अब्दुल्ला। क्यान अब्दुल्ला साहब, अपना तुसी कितनी देर तो परेड कर रहे हो? दो साल तो कर रहे हैं। किसी ये नहीं करता, ये दफा नहीं की, पिछले साल की। अच्छा, पिछले साल की थी, इस दफा नहीं की थी है। इस दफा क्यों नहीं की थी? जान बुझ गया। हाँ जी, हर दफा कर दे पे, पिछले दो साल तो कर रही है, पिछले साल तो शुरू की थी है, पिछले दो साल तो कर रहे। तो की तुसी इत्थे आने परेड दा हिस्सा तुसी किस तरह बने, तुहानू किसी ने दस्या इत्थे आन दा? या वैसे आते तो छोटे होते थे उधर डिग्री कॉलेज में जी, वैसे शौक बड़ा फिर इधर आ सी। आपके किसी बड़े ने की है या आपने शुरुआत की? मैंने शुरुआत। क्या बात है, माशाल्लाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना। चैनल है ज्ञान व्लॉग्स। ठीक हो गया, शुक्रिया। तंजीम शहरी दफा के दफ्तर, तो मैं क्या थोड़ी मालूम होनी चाहिए थी। तो अपने ना अपने कोल खलोते सर अजीम साहब, तो अपने नाल अपने जुनेद भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर अजीम साहब, है ना जरा तुम ना सिविल डिफेंस के बारे में कुछ दसो सानू, तो दोनों भी पता चलना चाहिए, लोग इतने आने भी चाहिए है कुछ, जिदी वजह तो लोग इतने तक आन। उर्दू में जिसको हम कह लेंगे तंजीम शहरी दफा, ये दूसरी जंग अजीम के बाद बनी और ये एक इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। सर कितनी देर तो है शुरुआत हुई थी, कितों शुरुआत हुई थी? समुंदरी में ये 1982 से चल रही है, और इनका काम सिर्फ परेड करना नहीं है, ये अमन और जंग दोनों सूरतों में, आफात की सूरत में ये मुल्क कौम की खिदमत करते हैं जी। और 14 अगस्त का ये एक हमारे पास एक आज़ादी इवेंट है, इसको हम जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए 25 जुलाई से ये सेशन शुरू करते हैं, और 14 अगस्त तक बच्चे यहाँ पे शौक से आते हैं। और वो आपने देख लिया है कि बच्चों का जज्बा, बच्चों का शौक, गर्मी, धूप और उसमें जो है वो परेड और सिविलियन की परेड इस कदर अच्छी हो जाना और प्रॉपर हो जाना, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। सर तुहानू ना इत्थे किन्नी देर हो गई, तो तुहाडा की इत्थे? मेरे सिविल डिफेंस ज्वाइन करने का मैं पहले भी कई बार कई इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, सिविल डिफेंस को ज्वाइन करने का सबब मोहतरम जनाब जुनेद साहब हैं, इनके दादा अबू और उस्ताद मोहतरम जनाब भट्ट साहब, गुलाम नबी भट्ट साहब, ये बने। और 94 से मैं इस तंजीम का हिस्सा हूँ, उस्ताद अल्ताफ साहब से हमने जो है वो परेड सीखी, उनके ज़रिए साया हमने ट्रेनिंग की, और उनकी वफात के बाद तकरीबन आज 8 से 9 साल हो चुके हैं कि मैं और मेरे साथ अरशद साहब हैं, हम ग्राउंड इंचार्ज के फ़राइज जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, और ग्राउंड इंचार्ज के साथ साथ बाकी दीगर अमूर जो हैं वो भी हमारे जो है वो जिम्मेदारियों में शामिल हैं। सर ना 14 अगस्त तो अलावा भी परेड हो रही है या बस सिर्फ 14 अगस्त ही है? परेड सिर्फ 14 अगस्त के लिए करते हैं, इस वक्त जो है वो सोच रहे हैं कि 6 सितंबर, जैसे पहले हमारा एक थोड़ा इम्तियाज रहा है कि ये सिविल डिफेंस समुंदरी 6 सितंबर को भी एक प्रोग्राम किया करती थी, तो अब जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी इस बात के ऊपर जो है वो एक प्लान बना रहे हैं कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 6 सितंबर को बेशक छोटा सा इवेंट करेंगे ज़रूर जी। शुक्रिया जी। आज सिविल डिफेंस के जो स्टाफ जी, सर अजीम साहब, तो अपने जुनेद मलिक, जुनेद खालसा साहब, उन्होंने अपनी मुलाकात हुई, तो उन्होंने तंजीम के बारे दसिया,
तो तुसी भी इस आना चाहते हो तो तुसी भी आ सकते हो। मेरे वैसे भी एक दो वीडियो मेरी बनी हुई मैं दसिया भी होया लोग परेड कर रहे बच्चे बड़े छोटे सब परेड हो रही है तो तुसी भी इतने आ सकते हो। सिविल डिफेंस दफ्तर जिला फैसलाबाद तहसील समुंदरी नूर पार्क। परेड खत्म होने तो बाद बच्चों का ना बड़िया का छोटिया का नाश्ता शुरू हुआ माशाल्लाह। नाश्ते च है नान पहले नंबर तो दूसरे नंबर से है चने माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह रौनक लाई रखे जी। ये जी कमांडर नाश्ता पहले कर लो फिर आप वीडियो बनाते हैं। इसे तरह वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।